Audio Jungle. एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। नालंदा लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए जहां बड़े बड़े नेता नालंदा दौरे पर हैं, वहीं पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील का भी लगातार दौरा जारी है। इसी कड़ी में हरनौत विधानसभा क्षेत्र के बिरनावा गांव में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में हरनौत विधायक हरिनारायण सिंह के अलावे कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर विधायक हरिनारायण सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में एनडीए की लहर चल रही है और हमारे प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार भारी मतों से विजयी घोषित किए जाएंगे, जबकि पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील ने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों के कारण बिहार की 40 में से 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। उनका दावा है कि कौशलेंद्र कुमार नालंदा में रिकॉर्ड मतों से विजयी घोषित किए जाएंगे। इस मौके पर रोत पैक्स अध्यक्ष पंकज कुमार, रोत के मुखियापति श्रवण कुमार, युवा नेता अनिल कुमार, धर्मेंद्र कुमार, नीरज भारती, महासचिव रंजीत कुमार, सुनील कुमार, सिरनावा मुखिया पति ऋषिदेव, रोत के पूर्व सरपंच कौशलेंद्र कुमार उर्फ डब्लू सिंह, पंचायत अध्यक्ष राजेश यादव, विनोद कुमार, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र चौहान, राकेश कुमार यादव के अलावे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और इसमें कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है 19 मई का जो चुनाव है, जो एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार जी है उनके पक्ष में हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ अपने वोटरों को बूथ तक ले जाकर करके एक एक वोट भारी मतों से जिताने के लिए कौशलेंद्र कुमार जी को फिर छापे बटन दबाएंगे। इन्हीं संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया। 19 तारीख को नालंदा लोकसभा का जो चुनाव होना है उसी के क्रम में आज चंडी प्रखंड के हरौद ग्राम पंचायत एवं सुनामा ग्राम पंचायत का तीनों दल लोजपा, भाजपा और जनता दल संयुक्त बैठक आपको सुनामा विधानसभा सुनामा विधानक और जिसमें शिरकत कर रहे थे हमारे पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील जी और आनंद करीब करीब 250 कार्यकर्ता उपस्थित थे और इसी के संबंध में मुख्य मुद्दा था 19 तारीख को आपको तीन छाप पर बटन दबाकर अपना वोट का प्रयोग करें और काफी जोश